एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स बाय माहिरा। और गाइस, आज मैं अमेजोन ज्वेलरी शॉपिंग हॉल आप सबके पास लेकर आई हूँ। मैंने 3 to 4 months पहले अमेजोन से कुछ ज्वेलरीज मंगवाई थी एंड ये सारी ब्राइडल ज्वेलरीज है। जो होने वाली ब्राइड है, अपकमिंग ब्राइड है, वो अपनी शादी पे ये ज्वेलरी पहन सकती हैं अपने क्लॉथ से मैच करके। और जो न्यू ब्राइड्स हैं, उन्हें अगर कोई शादी वगैरह अटेंड करनी है तो वगैरह वगैरह फंक्शंस में वो ये ज्वेलरी सेट्स पहन सकती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि मुझे पता है कि ज्वेलरीज हम फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो मेरी फीमेल्स व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मुझे पता है कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और आई होप कि आपको मेरा ये ज्वेलरी हॉल काफ़ी अच्छा लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे फर्स्ट ज्वेलरी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये। बहुत ही लाइट वेटेड सेट है ये, बहुत ही प्यारा है। इसमें ये बहुत अच्छी पैकेजिंग में आई थी गाइस, बट मैंने ना वो पैकेट सारा फेंक डाला क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरीज हैं रखने को कि स्पेस नहीं था, तो मुझे कुछ इस तरह से इसे रखना पड़ा। एंड ये इस तरह में आया था एंड काफ़ी अच्छी और भी पैकेजिंग थी, सो मैंने उसे थ्रो कर दिया। तो मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ। एंड ये सारी मैंने लिए हैं अमेजोन से। तो ये कुछ इस तरह का सेट है, आप देख सकते हो। वाइट कलर के स्टोन्स की डिटेलिंग हो रखी है यहाँ पे एंड नीचे रेड कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं इसमें। एंड ये ना कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसके इयररिंग्स कुछ इस तरह के, काफ़ी लाइट वेटेड है, सिंपल से चेन टाइप का वाइट कलर का स्टोन्स लगा हुआ है एंड नीचे रेड कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं। एंड पीछे एक पतला सा चेन दिया गया है। एंड इन ज्वेलरीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है गाइस, जस्ट हैव अ लुक, दिस इज़ अ सेट। तो इनकी ना डिटेलिंग बहुत ही अच्छी की गई है, आप देख सकते हो वाइट कलर के स्टोन्स की डिटेलिंग है एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जैसे कि आप देख सकते हो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, तो ये कहीं से भी टूटेगा नहीं। नेक्स्ट ये नीचे स्टोन्स दिए गए हैं रेड कलर के, दीज आर ऑल्सो लुकिंग डैम ब्यूटिफुल। एंड पीछे एक लंबा सा चेन है, तो आप इसे एस लॉन्ग भी पहन सकते हो और इस तरह से भी पहन सकते हो। तो आप देख लो कि ये किस तरह का लगता है पहनने के बाद। एंड दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन वेयर इट, इट लुक्स डैम ब्यूटिफुल गाइज। आप अगर कोई सिंपल सी साड़ी पहन रहे हो रेड एंड वाइट कलर की, आप सिंपल सा बन बना लो, इसे पहन लो एंड इसके इयररिंग्स पहन लो, सारे लोगों का फोकस ना आपकी इस ज्वेलरी पे जाने वाला है, ट्रस्ट मी। एंड इसकी चेन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 3 to 4 months हो गए हैं मैंने इन्हें अभी तक ये यूज़ नहीं किया है गाइस, एंड कोई भी स्टोन अभी तक के काला नहीं पड़ा है, ना ही स्टोन निकला है बाहर, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छे हैं एंड प्राइस आई रियली डोंट रिमेम्बर, बट आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ऑल द ज्वेलरी, सो दैट इफ़ यू हैव टू बाय इट यू कैन जस्ट गो ऑन द लिंक एंड यू कैन जस्ट चेक आउट ऑल द प्राइसेस। सो दिस इज द सेट, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। मैं आपको इसके इयररिंग्स भी दिखा देती हूँ। इन इयररिंग्स ना सारे स्टड वाले हैं, हुक इयररिंग्स नहीं है, जिससे कि हुक इयररिंग्स हम पहनते ना तो हमारे ईयर को काफ़ी हर्ट करते हैं गाइस। तो मुझे ना हुक वाले इयररिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे स्टड्स वाले इयररिंग्स ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ इस तरह के हैं, जस्ट हैव अ लुक। ये वाइट कलर का स्टोन की डिटेलिंग दी गई यहाँ पे, चेन टाइप की लंबी सी, एंड दिस इज रेड कलर का पर्ल्स दिया गया है इसमें। तो ये काफ़ी लाइट वेटेड ज्वेलरी है, जब आप इसे पहनोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ आपने कुछ पहना है नेक पे, या आप अपने कानों में इसे पहनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना है। सो इट लुक्स डैम ब्यूटिफुल व्हेन यू वेयर इट। सो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे। सो नेक्स्ट ज्वेलरी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, वो भी इस तरह की पैकेजिंग में आई है एंड ये भी स्टोन्स का वर्क किया गया है इसमें, जस्ट हैव अ लुक। ये ना गाइस ना ही गोल्डन कलर के स्टोन्स हैं, ना ही प्योर वाइट कलर के, ये ना ऑफ वाइट कलर के स्टोन्स हैं। सो आप देख सकते हो ऑफ वाइट कलर स्टोन का चेन है एंड इयररिंग्स भी काफ़ी छोटे हैं एंड ये भी काफ़ी लाइट वेटेड है, बहुत ही अच्छा है। एंड मुझे ना इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी, इसको जो पीछे से जो टाई करने को दिया जाता है ना, वो ये थ्रेड वर्क है। मुझे थ्रेड वाले ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती इन्हें एडजस्ट करने में, इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द नेक पीस,
आप देख सकते हो जो न्यू ब्राइड्स हैं, अगर उन्हें कोई फंक्शन अटेंड करना है तो इसे आराम से पहनकर अटेंड कर सकती हैं। ये भी साड़ी पे आराम से जाएगा एंड दिस इज द डिटेलिंग ऑफ, एंड ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे जो ये एक लॉकेट दिया हुआ है ना, इसके बाद ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, तो ये ना इसलिए दिया जाता है ताकि जो ज्वेलरी है ना, जो नेक पीस है, वो आपके गले में आराम से एडजस्ट हो जाए, आराम से फिट हो जाए, यू नो, ऐसा खड़ा हुआ ना लगे, बस एकदम गले में चिपक सा जाए, इसीलिए ये दिया जाता है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ वाइट कलर के स्टोन्स दिए गए हैं यहाँ पे, एंड ऑल ओवर यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन कलर है, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरा पे, कैमरा अच्छे से कैच नहीं कर रहा है। ग्रीन कलर के स्टोन्स की डिटेलिंग है एंड बीच में रेड कलर के स्टोन्स की डिटेलिंग है, और इसमें नीचे कुछ लड़ियाँ लटकी हुई हैं स्टोन्स की, तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसे पहन के कि ये कैसा लगता है गले में। सो ये कुछ इस तरह का लुक देता है गाइस, एंड ये ना आपके गले में बिल्कुल चिपक सा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो रखी है यहाँ पे। सो अगर ये नहीं होता तो ये इस टाइप का कुछ खड़ा के जैसा रहता बिल्कुल, यू नो, बट ये काफ़ी गले में चिपक सा गया है, तो आप इसे इस तरह से भी वेयर कर सकते हो, तो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा एंड इट इज़ लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। अब मैं आपको इसके ईयरिंग्स दिखा देती हूँ, सारे स्टड वाले ईयरिंग्स मुझे रिसीव हुए हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने काफ़ी डिटेल में देखा था, रिव्यू सर्च किया था, तब जाके मैंने इन्हें परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे हुक वाले ईयरिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। तो ये है इनके ईयरिंग्स काफ़ी छोटे हैं और सेट के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये है इसके ईयरिंग्स की डिटेलिंग भी बहुत ही अच्छी की गई है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, ऊपर में वाइट कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, छोटू से स्टोन है यहाँ पे, एंड बीच में अगेन रेड एंड ग्रीन कलर की डिटेलिंग हो रखी है सेट में। एंड इसमें क्या डिफरेंस है ना, यहाँ ऊपर में ग्रीन कलर की डिटेलिंग हो रखी है, बीच में रेड कलर के स्टोन से डिटेलिंग हो रखी है। ईयरिंग्स में थोड़ा चेंज है, ईयरिंग्स में क्या है, ऊपर में यू नो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में रेड कलर की डिटेलिंग हो रखी है स्टोन से, एंड बीच में ग्रीन कलर की डिटेलिंग हो रखी है, सो उसमें थोड़ा चेंज है, बट या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। सो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे, आप ही कमेंट करके बताना कि आपको ये ज्वेलरी पीस कैसा लगा। नेक्स्ट जो ज्वेलरी पीस है गाइज, वो ये है, इट्स अ पेंडेंट सेट, एंड यू नो वॉइस आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद दिस सेट, बिकॉज इसे जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था ये छोटू लंबा सा चेन होगा एंड छोटा सा पेंडेंट होगा, एंड बट ये काफ़ी यू नो डिफरेंट टाइप का निकला, तो मुझे ये ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, सो ये छोटा सा चेन है, चेन उतनी लंबी नहीं है एंड चेन काफ़ी मोटी है, ये निकल रहा है आप देख सकते हो, एंड इसमें ना मोर का डिज़ाइन बना हुआ है, एंड मुझे ना इसकी क्वालिटी थोड़ी चीप लगी, लोकल टाइप की लगी, यू नो आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस। तो ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो इसमें ग्रीन एंड रेड कलर के कुंदन का काम किया गया है, कुंदन वर्क है इसमें, ये पूरा मोर का डिज़ाइन है एंड सारे में ग्रीन वॉयलेट कलर का कुंदन का वर्क किया गया है, एंड बीच में वाइट कलर के स्टोन्स दिए गए हैं। काफ़ी बड़ा पेंडेंट है ये, आप जैसा कि देख सकते हो, तो इसे आप ना एज अ माथा पट्टी भी वेयर कर सकते हो। मैं ना ज्वेलरीज के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो इसे आप एज अ माथा पट्टी वेयर कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, इसी चेन के साथ आप कर सकते हो। सो इसकी क्वालिटी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, कुछ चीप टाइप की मुझे इसकी क्वालिटी लगी, चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इट्स वेरी गुड, एंड यू नो काफ़ी मोटा भी है, जल्दी टूटेगा नहीं, एंड बट मुझे इस पेंडेंट की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लगी, ईयरिंग्स की क्वालिटी भी वैसे कुछ खास नहीं है गाइस। सो ईयरिंग्स कुछ ये हैं, तो मुझे इसके ईयरिंग्स भी अच्छे नहीं लगे, इसमें वॉयलेट कलर का वर्क हो रखा है, दोनों तरफ मोर बने हुए हैं, बीच में स्टोन का काम है, नीचे रेड कलर का पर्ल लटका हुआ है, जैसा कि जस्ट लाइक इसमें है हैंग किया हुआ है, सो जस्ट लाइक ईयरिंग्स में भी है, एंड स्टड टाइप के छोटे छोटे ईयरिंग्स हैं, तो मुझे ये सच कुछ अच्छे नहीं लगे गाइस, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस ज्वेलरी पीस। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट ज्वेलरी पीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और वो है ये रेड ब्लू एंड वाइट कलर की ज्वेलरी है ये, सो दिस इज़ सुपर्ब, मुझे सारे ज्वेलरी पीसेस में ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और ये ना काफ़ी हैवी है गाइस, ये हैवी है रियली हैवी, इसके ईयरिंग्स भी काफ़ी हैवी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह का है, मैं आपको सबसे पहले इसे पहन के दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह का है गाइस, जस्ट हैव अ लुक,
बीच में स्टोन्स हैं एंड सॉरी इधर साइड में स्टोन्स हैं, बीच में ब्लू कलर की रेडियम पर्ल्स हैं, देन वाइट कलर के चेन की फुल डिटेलिंग लरी बाय लरी जिसे कहते हैं लरी वाले यू नो सेट वो है ये काफ़ी मुझे ब्यूटीफुल लगा. यू नो जैसे रानी वाले हार कहते हैं ना, वही हार मुझे ये लगा. ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा यू नो स्टनिंग लुक देता है, रॉयल लुक है इसका बहुत. एंड ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो. सो दिस इज़ कम्प्लीटली वाइट इन कलर एंड ब्लू की डिटेलिंग हो रखी है. तो साइड में कुछ इस तरह के स्टोन्स लगे हुए हैं मोटे से वाइट कलर के, एंड बीच में कुछ इस तरह का बड़ा सा स्टोन का वर्क हो रखा है, बीच में बड़ा सा वाइट कलर का स्टोन दिया गया है, एंड इसमें लरी बाय लरी वर्क किया हुआ है. इधर वाइट कलर के स्टोन्स हैं एंड ब्लू कलर के रेडियम पर्ल्स जिसे हम कहते हैं, तो उन टाइप की लरी वाली डिटेलिंग हो रखी है इसमें. तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ये आपकी साड़ी के ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा. और इसे आप चाहो तो एज अ माथा पट्टी भी वेयर कर सकते हो, या माथा पट्टी भी आप इसे वेयर कर सकते हो. सो दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देता है. अगर आपके पास कुछ इस तरह की मैचिंग साड़ी है तो इट विल डेफिनेटली गिव योर रॉयल लुक. ईयरिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ईयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैवी हैं, एंड ये भी स्टड्स वाले ईयरिंग हैं, हुक वाले ईयरिंग्स नहीं हैं. सारे ज्वेलरी पीस में मुझे स्टड वाले ईयरिंग्स ही रिसीव हुए हैं. तो ये ईयरिंग कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हो. दिस इज लुकिंग वेरी मच ब्यूटिफुल. दिस इज जस्ट लाइक ऑसम, यू नो गाइज. इसमें भी इस तरह के वाइट कलर के स्टोन की डिटेलिंग हो रखी है, एंड ये गोल सा वाइट कलर का स्टोन का वर्क हो रखा है, बीच में बड़ा सा नग दिया गया है, एंड लास्ट ये लरियां लटकी हुई हैं वाइट कलर के स्टोन्स की, एंड देन ब्लू कलर के पर्ल्स दिए गए हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है, और इसे भी आप ऐसा माथा पट्टी वेयर कर सकते हो. और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जस्ट हैव अ लुक. एंड इनकी ना चमक बहुत ही अच्छी है गाइस, इस ज्वेलरी की ना स्टोन की जो चमक होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा है. आई मीन आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है. तो इसकी जो शाइनिंग है वो मुझे सबसे अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा है शाइन है इनमें, आप देख सकते हो. दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये ज्वेलरी. नेक्स्ट जो है वो प्योर ब्राइडल ज्वेलरी है, आई मीन आप उसे ना ब्राइड्स अपनी शादी पे वेयर कर सकती हैं, या फिर आप चाहो तो इसे आप यू नो अपने रिसेप्शन पार्टी में या किसी साड़ी में आप इसे पहन सकते हो. सो दिस इज़ द ज्वेलरी पीस, एंड ये ना हैवी है गाइस, लिटरली हैवी है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है. एंड इसमें भी कुछ इस तरह का वर्क किया गया है, आप देख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इसमें भी, ताकि ये बिल्कुल चिपक सा जाए आपके गर्दन पे. और आप देख सकते हो कि ये किस तरह का लुक देता है, ये कुछ इस तरह का लुक देता है. तो आपको अगर अपने लहंगे पे पहनना है तो आप इसे पहन सकते हो. और इसमें ना ऑफ वाइट कलर के स्टोन्स का वर्क हो रखा है, बीच में फ्लावर डिज़ाइन बने हुए हैं, ग्रीन एंड रेड, अगेन ग्रीन एंड रेड कलर की डिटेलिंग हो रखी है. नेक्स्ट यहाँ पर कुंदन का वर्क किया गया है, आप देख सकते हो कुंदन का काम है, एंड नीचे भी मोतियों पर्ल्स का वर्क हो रखा है. इसकी ना नीट एंड क्लीन वर्क है गाइस, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे इस ज्वेलरी पीस की ये लगी कि सारे यू नो नीट एंड क्लीन वर्क हो रखा है, एंड बीच में रेड कलर का बड़ा सा स्टोन दिया गया है, एंड ग्रीन कलर की डिटेलिंग हो रखी है. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड नीचे रेड कलर का छोटू सा पर्ल लटका हुआ है, एंड इसमें जो एडजस्ट करने के लिए दिया गया है वो है थ्रेड. तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इजीली एडजस्ट आप इसे कर सकते हो, और एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो ये कुछ इस तरह का लुक देता है गाइस, और मैं आपको फिर से एक बार अटैच करके दिखा देती हूँ. सो दिस इज लुकिंग लाइक दिस, एब्सोल्युटली स्टनिंग. नेक्स्ट मुझे इसके साथ ये ईयरिंग्स रिसीव हुए हैं, दीज आर डैम ब्यूटीफुल गाइज, आई मीन आप देख सकते हो, एंड ये भी लिटरली हैवी हैं, जस्ट लाइक इट्स नेक पीस, यू नो, एंड बिल्कुल इससे मैच करता हुआ ईयरिंग, ऑब्वियसली मैच करते हुए ईयरिंग्स ही मिलेंगे. सो यहाँ पे फ्लावर टाइप का डिज़ाइन हो रखा है, बीच में ग्रीन कलर का स्टोन है, नीचे फ्लावर सर्कल डिज़ाइन है, वाइट कलर के स्टोन्स है, रेड कलर का पर्ल दिया स्टोन दिया गया है. नेक्स्ट इसमें कुंदन का काम किया गया है, बीच में वही डिटेलिंग हो रखी है जो नेक जैसी नेक पीस में थी, एंड नीचे वाइट कलर के पर्ल्स एंड रेड कलर का पर्ल लटका हुआ है. एंड इसके ईयरिंग्स माशाल्लाह है गाइस, माशाल्लाह,
मुझे इसके इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए. आई मीन दे आर डैम ब्यूटीफुल यू नो. इसे आप किसी साड़ी लहंगे के साथ भी पहन सकते हो और काफ़ी ब्राइडल पीस है ये, तो ब्राइड्स इसे आसानी से पहन सकती हैं अपनी शादी पे. और इसे पहनने के बाद ना सारा फोकस आपके इसी ज्वेलरीज पे जाने वाला है. सो दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग गाइस. मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसके इयररिंग्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगे. एंड ये ना हैवी हैं गाइस, इसे आप 5 to 6 hours कैरी कर लो, दैट इज़ एनफ. उससे ज़्यादा आप इसे कैरी नहीं कर सकते, आपके ईयर्स हर्ट करने लगेंगे. बट या इसमें स्टड्स दिए गए हैं तो इट मे नॉट हर्ट योर ईयरिंग, सॉरी ईयर्स. बट अगर ये हुक वाले होते तो आपको हर्ट करती, बट लकीली ये स्टड्स वाले हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा हैं, अच्छे हैं. और मैंने इन्हें पहन लिया है, एक बार मैंने इन्हें पहना है. मैंने इन्हें साड़ी के साथ पहना था, मैंने बन बनाया था और इस तरह का बहुत हैवी साड़ी था एंड इस तरह का नेक पीस, और इसे मैंने पहना था. ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस. और ये ना आपको मार्केट में अराउंड 600 to 700 के आसपास मिलेगा, उससे कम में ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये सेट इतना हैवी है. नेक्स्ट इसके इयररिंग्स जो हैं दे आर आल्सो वेरी मच बिग एंड वेरी मच ब्यूटिफुल. आई एम टेलिंग यू, डिटेलिंग बहुत ही अच्छी हो रखी है एंड इनका जो वर्क है ना वो बहुत ही नीट एंड क्लीन सारे ज्वेलरीज का वर्क हो रखा है. सो मेरे पास अब इतनी सारी ज्वेलरीज थी और ये शॉपिंग हॉल हो चुका है एंड, वीडियो हो चुका है एंड. सो अगर आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल. रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आपको क्लिक कर लेना एंड देन उसके बाद छोटा सा बेल आइकन अपीयर होता होगा, उसको भी आपको क्लिक कर लेना, ताकि आप मेरे हर नए वीडियो से रह सकें नोटिफाइड और मेरे चैनल की एक्टिविटीज से आप रहें अपडेटेड. सो गाइस, मैं इसी तरह से शॉपिंग हॉल, ज्वेलरी हॉल एंड प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ और आगे भी इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँगी. मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा. वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ज़रूर करिएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको मेरी सारी ज्वेलरीज कैसी लगी. आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो अगैन लेकर आऊँगी. टिल देन बाय बाय.